हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 13 अमीन्स। सो हम स्टार्ट करेंगे आज अमीन्स चैप्टर। सो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 अमीन्स। अब मेन बात है भाई, ये अमीन्स क्या होता है? अभी तो हमें यही नहीं पता है अमीन्स क्या होता है। सो सबसे पहले हम अमीन्स के से ही स्टार्ट करेंगे। अमीन्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी ये किससे बने होते हैं? अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। अब अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। सो अमीन्स में क्या होगा, NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। ये तीन हाइड्रोजन R ग्रुप से रिप्लेस होंगे और इनसे ही क्या बन जाता है? एमीन बन जाता है। सो NH3 है, अब हम इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा दें और एक R ग्रुप ऐड कर दें, यानी इसे क्या बना दें, R, एक हाइड्रोजन हट गया NH3 था तो ये क्या बचा, NH2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एमीन्स। मतलब हाइड्रोजन हटाना और R ग्रुप ऐड करना। सो एमोनिया में अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे, R ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एमीन्स फॉर्म होगा। सो ये कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन। यानी प्राइमरी अमीन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है। याद रखना है, प्राइमरी के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन। सो अब देखेंगे सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी में क्या करेंगे, इस एक और हाइड्रोजन को हटा देते हैं और एक और आर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, आर एन एच, जो एक और हाइड्रोजन था वो हट गया, आर आ गया। तो ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी अमीन है। अब देखेंगे हम टर्शरी। तो टर्शरी में क्या था, सेकेंडरी के पास एक हाइड्रोजन होता है, टर्शरी में क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को और आर ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, यानी हाइड्रोजन हटा दिया, आर ले आए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टर्शरी अमीन। यानी प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन है और टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर, तो सॉरी बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ अमीन होता है वो काफ़ी रिलेटेड अमोनिया से मिलता जुलता होता है। जैसे अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, sp3 था, तो सेम एज जो अमीन्स होती हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है। जो अमोनिया था उसकी शेप कैसी थी, पिरामिडल। सो अमीन की भी शेप कैसी होती है, पिरामिडल होती है। तो चलिए अब हम शेप देख लेते हैं कि कैसे शेप बनती है। तो ये है अमोनिया, मैंने इसकी अमोनिया की शेप ड्रॉ की है, NH, इसमें तीन मैंने बनाए NH3 और यहाँ पर क्या बसते हैं, लोन पेयर बसते हैं। सो मैंने लोन पेयर दिखाए। सेम जैसी अमोनिया की है वैसी ही अमीन की शेप होती है। ये अमोनिया की है और ये अमीन की है। यहाँ पर N है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, जैसे तीन हाइड्रोजन लटके हुए हैं, तीन हाइड्रोजन की जगह तीन आर ग्रुप लटके हुए हैं, एक आर ग्रुप यानी CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, और यहाँ पर लोन पेयर है। ये क्या है, लोन पेयर। ये आपको याद रखना है, CH3 और CH3 के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये शेप किसकी थी, पिरामिडल शेप है, वो भी किसकी है, अमीन की शेप है। अब हमने शेप को तो डिस्कस कर लिया, अब मेन बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, पहले क्लासिफिकेशन। हम जानते ही हैं कि जो अमीन है या अमोनिया है, सॉरी अमोनिया, उससे क्या बनता है, एक आर ग्रुप ऐड करें और हाइड्रोजन हम हटा दें तो क्या बनता था, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी के साथ भी सेम प्रोसेसर करना है, आर ऐड करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से क्या बनता है, टर्शरी। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है इसका नोमेनक्लेचर, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक है, क्योंकि कार्बन का या फिर उससे रिलेटेड कंपाउंड था, एल्कोहल था, फिनॉल था, ईथर था, कार्बोक्सिलिक था, उन सब का जो नोमेनक्लेचर था वो सब आप लोग 11th में पढ़ चुके थे, लेकिन अमीन का नोमेनक्लेचर 11th में नहीं शो किया हुआ है उतना अच्छे से। सो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर अपने आप में, एक आध क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। सो अमीन की कैटेगरी कितनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन कैटेगरी हैं, तीनों का नोमेनक्लेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो सबसे पहले ये तीन एग्जाम्पल हैं, ये प्राइमरी के मैं ये बताऊंगी। तो पहले क्या है, CH3, CH2, NH2। तो यहाँ आपने देख लिया कि दो NH2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, मतलब ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है। तो आप नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, पहला कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1, 2 कार्बन दो हैं, इसलिए हम क्या लिखाएंगे, एथेन, ठीक है, और NH2 ग्रुप लगा हुआ है अमीन, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन अमीन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 ग्रुप 1 पर लगा हुआ है तो क्या नाम क्या होगा, एथेन 1 अमीन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, वही नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3। सो यहाँ पर क्या होगा, 1, 2, 3 कार्बन है, तो ये क्या है, प्रोपेन,
वन पर एमीन लगा हुआ है तो नाम क्या होगा? प्रोपेन वन एमीन। आपको कॉमन नेम नहीं देखना है, आपको आईओपीएसी नेम देखना है, तो ये क्या होगा? प्रोपेन वन एमीन। आप थर्ड देखेंगे, इसमें अगर आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको ऐसे देखकर, आप इसे सेकेंडरी समझेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? दो, तो ये क्या है? प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 कैसे भी स्टार्टिंग कर लीजिए, 2 पर अमीन लगा हुआ है और प्रोपेन है, यानी नाम क्या होगा? प्रोपेन। अमीन कौन से पर है? 2 कार सेकेंड नंबर के कार्बन पर है, तो प्रोपेन 2 अमीन। ये तो बात हो गई प्राइमरी की। अब बात है कि सेकेंडरी का नोमनक्लेचर हम कैसे देखें। सो मेन बात है, अब सेकेंडरी का नोमनक्लेचर हम देखेंगे। सेकेंडरी में आपको पता है एक हाइड्रोजन होता है। सो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी की कई एग्जांपल ड्रॉ की हैं। तो जैसे ये है CH3NH CH2CH3, तो N के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब ये सेकेंडरी अमीन है। इसमें क्या होगा, एक तरफ तो एक चेन लगी हुई है कार्बन की और दूसरी तरफ दूसरी चेन लगी हुई है। अब भाई दो दो चेन है, कैसे आप नेम करेंगे? सो इसमें क्या होगा, जो आपके लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक चेन तो छोटी होगी और एक चेन कैसी होगी? बड़ी होगी। तो सबसे पहले आपको छोटी वाली का नेम लिखना है। सो ये क्या है? मिथाइल लगा हुआ है। इसे आपको साइड चेन की तरह ट्रीट करना है और जो बड़ी वाली चेन है उसे पेरेंट्स चेन की तरह ट्रीट करना है। सो साइड चेन को इसके अमीन के केस में लिखने से पहले उसके आगे एन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगा दीजिए? कैपिटल एन। ये क्या है? सी एस थ्री, तो ये क्या है? मिथाइल। और यहाँ पर क्या है? 1 2 2 कार्बन है, यानी एथेन अमीन। ठीक है, समझ गए आप। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। सो एन एच आपने देख लिया, सेकेंडरी अमीन है। ये 3 कार्बन की चेन है, यानी ये पेरेंट्स चेन की तरह ट्रीट करेगी, और ये 2 कार्बन की चेन है, मतलब छोटी है, ये साइड चेन की तरह ट्रीट करेगी। तो साइड चेन के आगे एन लिख दीजिए, 2 कार्बन है इसलिए ये क्या है? इथाइल है। और ये कितने हैं? 1 2 3 3 है, यानी प्रोपेन अमीन। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है, ये क्या है? एक छोटी चेन है, यानी ये कौन सी चेन है? साइड चेन है। और ये कौन सी चेन है? पेरेंट्स चेन है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सी एस थ्री है, तो आगे एन लगाइए और मिथाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी पेंटेन। और कौन सा ग्रुप है? अमीन, मतलब पेंटेन अमीन। अब ये हो गया सेकेंडरी का। तो प्राइमरी का डायरेक्ट करते हैं, सेकेंडरी के में छोटे वाले के आगे, मतलब जो साइड चेन होता है उसके आगे एन लगाते हैं और जनरली नोमनक्लेचर कर देते हैं। अब है टर्शियरी। सो टर्शरी आपको पता है उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये टर्शरी है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, केवल 3 आर ग्रुप है। मेन बात है इसमें 2 ग्रुप कैसे होंगे? छोटे होंगे। और एक ग्रुप कैसा होगा? बड़ा होगा। सो आपको छोटे ग्रुप को वैसे ही साइड चेन की तरह ट्रीट करना है। तो ये क्या है? सी एच थ्री, यानी ये छोटा ग्रुप है। और ये भी कैसा है? छोटा ग्रुप है। और जो ये है, ये कैसा ग्रुप है? एक बड़ा ग्रुप है। तो ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये पेरेंट्स चेन है। तो यहाँ पर साइड चेन कितनी है? 2। तो एक के आगे तब हम क्या लगाते थे? एन। और यहाँ पर कितनी है साइड चेन? 2। तो 2 एन लगा दीजिए, एन एन। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। और ये क्या है? एथेन एमीन। ठीक है, सो 2 एन लगा देने हैं अब आपको, क्योंकि 2 चेन होंगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं C2H5, यहाँ पर एक C2H5 और यहाँ पर ये चेन लगी हुई है। सो ये दोनों छोटी चेन है, इसलिए कौन सी है? साइड चेन है। और ये कौन सी चेन है? पेरेंट्स चेन है। सो आपको वही करना है, साइड चेन के आगे N, N, डाई, ये इथाइल है इसलिए इथाइल, ये ब्यूटेन एमीन। अब मेन बात है कि कोई और फंक्शनल ग्रुप या फिर कुछ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे नेम लिखेंगे इसका? तो यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर H2 है, मतलब हम समझ गए ये प्राइमरी अमीन है, यानी हमें इसका सिंपल नोमनक्लेचर करना है। अब प्लस में यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो मेन बात है कि भाई काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो जहाँ पर अमीन लगा हुआ है काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यानी काउंटिंग क्या है? 1 2 3। अब ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है? डबल बॉन्ड। तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। और डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी उतनी नहीं देंगे, तो डबल बॉन्ड को आगे लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप को पीछे लिखेंगे। सो 1 2 3 यानी क्या है? प्रोपेन। जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो सेकेंड कार्बन पर है, यानी प्रोपेन 2-ईन। और 1 पर क्या लगा हुआ है? एमीन, यानी 1 अमीन, मतलब प्रोपेन 2-ईन 1 अमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।